पृष्ठ संख्या 25। अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में सुना। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप सुन चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बंटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन रॉय और डोरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। पृष्ठ संख्या 26। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो
रूढ़ीवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़ीवादी आम तौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। नए शब्द मताधिकार आंदोलन, यानी वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। पृष्ठ संख्या 27। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इससे आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। पृष्ठ संख्या 28। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गेसिप्पे मेदिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ
अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। पृष्ठ संख्या 29। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा। पृष्ठ संख्या 30।
रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालें। रूसी साम्राज्य 1914। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस दो का शासन था। मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाथविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। पृष्ठ संख्या 31। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले लोगों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारणों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी
या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। पृष्ठ संख्या 32। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गईं। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि के कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति केंद्र बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर दिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। पृष्ठ संख्या 33। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। नए शब्द
निरंकुश राजशाही यानी राजा का बिना रोक टोक शासन, जदीदी यानी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, वास्तविक वेतन यानी यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूटिलो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। पृष्ठ संख्या 34। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की यानी केंद्रीय शक्तियां थे तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था। जारीना
यानी जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रास्पुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चों पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। पृष्ठ संख्या 35। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान लाते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर पृष्ठ संख्या 36। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। नए शब्द। तालाबंदी यानी फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना। सोवियत, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री में मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया।
रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। पृष्ठ संख्या 37। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। बॉक्स 1, फरवरी क्रांति में महिलाएं। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलोवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलोवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। स्रोत चाई चैटर्जी, सेलिब्रेटिंग विमेन, 2002। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। पृष्ठ संख्या 38। इन तीन मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के
मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की, मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। पृष्ठ संख्या 39। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेत्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। बड़े तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन आरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेत्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेत्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। नए शब्द कॉमिंटर्न, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। बॉक्स दो, रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 मार्च को संपन्न हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1850 से 1880, रूस में समाजवाद पर बहस। 1898, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905, खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917, 2 मार्च, जार द्वारा पद त्याग। 24 अक्टूबर, पेत्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 से 1920, गृह युद्ध। 1919, पृष्ठ संख्या 40। अक्टूबर के बाद क्या बदला?
बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवका का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लियोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीओ तथा एनकेवीड का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। पृष्ठ संख्या 41, बॉक्स 3, अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली, उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई, उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गईं और उसकी जमीन किसानों के बीच बांट दी गई, जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। फेदोर बेलोव, द हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था, लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता के साथ बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का हिस्सा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर
दोबारा मिखाइल मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या वह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। सर्ज श्मेमान, एकोज ऑफ अ नेटिव लैंड, टू सेंचुरीज ऑफ अ रेशियन विलेज, 1997। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसीलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी ग्रीन्स और जार समर्थकों यानी व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। वे सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी बड़ी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। पृष्ठ संख्या 42। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यानी USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित कर दिया गया। रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें इत्यादि थोप दी थी, इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। स्रोत ख, अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया, दो दृष्टिकोण। एम एन रॉय, भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न्स के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था, उसे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज, किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। एम एन रॉय मेमोयर्स, 1964। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आजाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कजाक नेता
1919 अलेक्जेंडर बेनिंगसन एवं चांताल केल केजे ले मोमेंट्स नेशना शेज ले मुसलमानसा द रूसी 1960 1960 में उद्धृत समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली दो योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्नेटिगोसर्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। पृष्ठ संख्या 43। नए शब्द स्वायत्तता, अर्थात अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। घुमंतु, अर्थात ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। कार्य स्थितियां, अर्थात काम के हालात। पृष्ठ संख्या 44। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गईं, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गईं, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्रोत ग। 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। प्रिय दादाजी कालिनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं हैं, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। मैं और मेरी माँ बीमार हैं। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वह इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार हैं। हमारे पास न तो पैसा है और न ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है, व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है। पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा 1933 में लिखा गया पत्र। बी सोकोलोव आप्स चेत्सवो एक वलास्ट वी 1930 ये गोदी मास्को 1970। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर
खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला किया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में एक तिहाई कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते थे। पृष्ठ संख्या 45। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। श्रोत घ: सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए हैं। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई हैं। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए हैं। विद्रोही किसानों का ज्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाएं।
1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 656 को मृत्यु दंड दिया गया है, 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया है और 5,580 को देश निकाला दे दिया गया है। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख K.M. कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 1930 बी सोकोलोव आवश्चेत्सवो एक ब्लास्ट बी 1930 ये गोदी। श्रोत च, यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम करना नहीं चाहता। उसने क्रास्तियांस्का गजेटा यानी कृषक समाचार पत्र को यह खत लिखा था। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए हैं कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला गया। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोलखोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी 2 झोपड़ियों में से भी 1 बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर दिया गया। बी सोकोलोव आवश्चेत्सवो एक ब्लास्ट बी 1930 पृष्ठ संख्या 46। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न यानी बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी, हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। बॉक्स 5, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य
सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। आर एस अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। इसके अलावा एस डी विद्यालंकार ने द रीबर्थ ऑफ एशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। पृष्ठ संख्या 47। स्रोत 6। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920। अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में जा पहुंचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यहीं साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ खुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहां मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी। स्रोत ज, रूस से रविंद्रनाथ टैगोर 1930। मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साय में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। नए शब्द, प्रतिक्रांतिकारी, क्रांति विरोधी। पृष्ठ संख्या 48। क्रियाकलाप। एक, कल्पना कीजिए कि एक मजदूर के तौर पर आपने 1905 की हड़ताल में हिस्सा लिया है और उसके लिए अदालत में आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मुकदमे के दौरान अपने बचाव में आप क्या कहेंगे? अपना वक्तव्य तैयार कीजिए और कक्षा में वही भाषण दीजिए। दो, निम्नलिखित अखबारों के लिए 24 अक्टूबर 1917 के विद्रोह के बारे में शीर्षक सहित एक छोटी सी खबर तैयार कीजिए। क, फ्रांस के एक रूढ़िवादी अखबार के लिए। ख, ब्रिटेन के एक रेडिकल अखबार के लिए। ग, रूस के एक बोल्शेविक अखबार के लिए। तीन, मान लीजिए कि सामूहिकीकरण हो चुका है और आप रूस के एक मझोले गेहूं उत्पादक किसान हैं। आप सामूहिकीकरण के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हुए स्टालिन को एक पत्र लिखना चाहते हैं। अपनी जीवन की परिस्थितियों के बारे में आप क्या लिखेंगे? आपकी राय में ऐसे किसान का पत्र पाकर स्टालिन की क्या प्रतिक्रिया होती? प्रश्न एक,
रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? दो, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? तीन, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? चार, दो सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। पांच, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? छह, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। क, कुलक। ख, ड्यूमा। ग, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। घ, उदारवादी। अंगा, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम।